गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अभी हम सुबह सुबह जा रहे हैं काशु का एडमिशन कराने, बट एक दिक्कत हो गई है कि रेडी हो गई है। एक दिक्कत ये हो गई है कि बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर। इनने फ्रॉक पहनी है, दिखाओ गाइज को फ्रॉक, दिखाओ कितनी अच्छी है। तो अब हम सोच रहे गाड़ी लेके जाऊँ, क्योंकि पास में ये ज़्यादा दूर नहीं है, बट गलियों में गाड़ी को घुसाना बड़ी दिक्कत है। तो लेट्स अभी इसको रख दो, अभी हम स्कूल जाएंगे। आप अच्छा, आप स्कूल में जाके क्या करोगे मुझे बताओ। मुझे ये लेना है। ठीक है, ये ले लो। आप काउंटिंग सुनाओगे स्कूल में जाके? मेरे पास फोटो है, मेरे पास तो फोटो चाहिए। आधार कार्ड, आधार कार्ड नहीं लेकिन मेरे पास आधार कार्ड ऊपर रखा है, ले आता ही यार। चल ठीक है, तो बारिश हल्की सी कम हुई है, फटाफट से गाड़ी निकाल लेता हूँ और फिर ये काशोर के मम्मी बैठ जाएंगे। तो गाइस देखो, बारिश अभी भी बनी हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि कम हो गई है। और जब भी बारिश होती है ना, मुझे एक ही सीन याद आता है, वो जो रहना है तेरे दिल में। वो अगर आप लोगों ने देखी है, पता नहीं देखी नहीं देखी, रहना है तेरे दिल में मूवी है, जब माधवन टेलीफोन पे अपने घर पे बात कर रहा होता है और फर्स्ट टाइम उसको लड़की दिखती है। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं फाइनली, पीछे बैठा हुआ काशु। काशु आप किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो आप? हाँ बताओ किधर जा रहे हो। स्कूल। कितना गधा बच्चा भाई आप, आपको पता ही नहीं आप कहाँ जा रहे हो। स्कूल। स्कूल किधर? स्कूल नहीं, स्कूल। स्कूल तो डैडी है आपके। चल चलो, अभी चल रहे हो। काशु नाम तो बता दो। शिवांश भी है, और क्या नाम है, रोनित। झूला इधर आ जाओ फटाफट, झूला नहीं झूलना, आओ जल्दी आओ। तो गाइस फाइनली काशु का एडमिशन हो गया है। काशु तो वहाँ झूले, बेटा झूला तो ठीक है, लेकिन जो आप पढ़ाई भी करनी होती है वहाँ पे, ठीक है। अभी आप ना प्लेवे में जा रहे हो और पढ़ाई करके ना आईपीएस बनना सीधा प्ले में भी, ठीक है? ठीक है मेरे बेटा, ठीक है। आप बड़े होके क्या बनोगे काशु? बड़े होके क्या बनोगे आप? फौजी। क्या बनोगे? चूहा बनोगे? ए भगवान, बेटा ऐसा है, पढ़ाई लिखाई करनी है। बड़े होके बिल्ली बनोगे? शाबाश, बिल्कुल मम्मी पे गए हो आप, है ना? मैं बिल्ली बनूंगी। चलो बिल्ली बन जाना, आप कुछ भी बन जाना बड़े होके, ठीक है? ठीक है मेरा बेटा, बिल्ली बन जाना। तो भाई अब मेरे को जाना है ऑफिस, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ गाड़ी ले जाऊँ, बट देखते हैं अगर हिमांशु को ले जानी होगी तो वो ले जाएगा, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है उसकी छुट्टी है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं ही ले जाता हूँ, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है यार, बहुत तेज, और भीगे हुए कपड़ों के साथ फॉर्मल्स में। हाँ कहाँ भाई, बारिश में? बारिश में कहाँ घूम रहे थे? ट्यूशन से भाई, बारिश हो रही है कतई तेज, इसलिए मैं गाड़ी लेके आ गया। हिमांशु कह रहा भाई मैं तो जा नहीं रहा ऑफिस, उसकी छुट्टी है शायद, तो मैं ही गाड़ी लेके आ गया। और भाई तीसरे गए छुट्टी है, तो देख रहे हो भाई कितनी तेज हो रही है, मतलब एक ही सेकेंड में दोबारा से हो रहा है, जम रहा है, देख रहे हो, बढ़िया बारिश हो रही है। लेकिन मस्त, कल तक इतनी गर्मी थी यार, कल तक इतनी गर्मी थी ना, कुछ कहने की हद नहीं। मतलब भाई साहब, मैं सिर्फ घर से बाहर निकल के सामने दुकान में गया सामान लेने और वापस आया हूँ, मेरी पूरी की पूरी पीठ भीग गई पसीने से, इतनी गर्मी थी। और आज सुबह उठते के साथ ही लग रहा था कि नहीं बिल्कुल मौसम ठीक है, क्योंकि एसी नहीं चलाया था हमने, अदरवाइज सुबह उठते के साथ ही हमारा एसी चल रहा था। रात में जैसे बंद करते थे ठंड लगती थी, और सुबह उठते के साथ ही फिर दोबारा से एसी चल जाता था। तो आज बढ़िया था मौसम, ऑल थैंक्स टू भगवान जी जिन्होंने बारिश कर दी और मौसम को सुहाना बना दिया। मेरी वाइफ कह दी, कह रही यार बहुत काम आ रखा ऑफिस का, वरना घूमने चलते। मैंने कहा हाँ, मेरे ऑफिस का तो कुछ नहीं है ना, तेरे ऑफिस के हिसाब से होता है, पर लेकिन नहीं, आज लिटरली मौसम हो रहा है घूमने वाला, तो बढ़िया। तो भाइयों बहनों, ऑफिस के बाहर तो पहुँच गया हूँ, लेकिन छतरी ने लाया, तो इसीलिए ऑफिस से ऊपर जाने तक मैं भीग जाऊँगा, मुझे पता है। तो थोड़ा सा वेट करते, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है यार, ये देखो मतलब हद से ही ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो लेट्स वेट, थोड़ा सा देर वेट करते हैं, होपफुली हल्की सी जैसी कम होगी निकल लेंगे।
मैं गलती कर दी यार छतरी लाया, लेकिन मैं छतरी लाता तो फिर काशू और मम्मी भूख भीग जाते। मतलब इतनी तेज बारिश हो रही है कि मैं गाड़ी से उनको उतारा है, वो गली के अंदर घुसते उतरे में भीग जाते। बैग मेरा मतलब उसने छत यूं पकड़ी हुई थी, मेरा बैग यूं पकड़ाया उसी में भीग गया पूरा, इतनी तेज बारिश हो रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, तो इसलिए लेट्स नॉट टेक रिस्क और जस्ट वेट, क्योंकि गीले कपड़ों के साथ मुझे ऑफिस जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वेट करते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं क्या होता है। यार ये बच्चे, मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आ रही, ये बच्चे लोग जो हैं भीगते हुए जा रहे हैं, तो ये जहाँ भी जा रहे हैं ये कैसे बैठेंगे इसमें भीगने में? यार देखो इनको कोई टेंशन ही नहीं है। तो भाई लोगों, आधा घंटा वेट करने के बाद फिर मैं ऊपर ऑफिस गया था। फिलहाल अभी मैं लंच करने जा रहा हूँ, तो गाड़ी से यार मेरा ऑफिस अब ज़्यादा दूर नहीं है, आप मुश्किल से मुश्किल 10-15 minutes का वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा। बट बड़ी शर्म सी आ रही है कि मैं गाड़ी से ऑफिस जा रहा हूँ यार। बताओ अबे यार, अभी भी बारिश रुकी नहीं है, देखो पूरी की पूरी टाइम बारिश हो रही है। अभी भी हल्की हो गई है पहले से, बट लेकिन बारिश हो रही है यार। बारिश का मजा है, देखो होनी भी चाहिए, इतनी गर्मी हो रही थी दिल्ली में, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। जो लोग बेचारे बस का वेट कर रहे हैं, जो लोग रिक्शे वाले हैं, पैदल वाले हैं, उन लोगों को ना बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो ये खैर हर चीज़ के जैसे पॉजिटिव नेगेटिव तो होते हैं यार, सो बट लेकिन होना बहुत ज़रूरी था। मुझे लगता आज की डेट में दिल्ली से अगर किसी से बोलो कि भाई बारिश से दिक्कत हो रही है, दिक्कत भी हो रही होगी ना, तो कहेगा नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गर्मी से राहत मिली है सीरियसली। मतलब बहुत बुरा हाल था, हालांकि ऑफिस के अंदर बैठे बैठे अभी भी ह्यूमिडिटी हो रही है, हम लोगों ने एसी चला रखा है, बट स्टिल बाहर निकलोगे तो बहुत सुहाना मौसम होगा, मस्त मौसम होगा। देखो जैसे एक ये मैं बहुत बात बोल रहा हूँ, देखो भैया का ऑटो शायद ख़राब हो गया है, बरसात में ये बड़ी समस्या होती है, तो ऐसे लोगों को मतलब गाड़ी वाड़ी, अभी मैंने 2-3 bikes और भी देखी थी जो बंद हो गई थी, भैया जा रहे धक्का मारते हुए निकल लेते हैं, ज़्यादा हॉर्न वॉर्न नहीं बजाते, तो ये एक समस्या हो जाती है। तो भैया गाड़ी वाड़ी को मेंटेन करके रखना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए, तभी यह गाड़ी हमारा ध्यान रखेगी। तो भैया हम लोग इसके स्कूल के लिए पेंट लेनी है, तो इसलिए पेंट लेने आए। काशु भी कौन सी चाहिए आपको? ये अच्छी है, डार्क कलर की बोला उन्होंने, डार्क ब्लू या ब्लैक कुछ, ये ठीक लग रहा है, बट इसमें वॉश है। लेट्स सी कैसे कैसे कर रही है, सर पे कैसे कर रही है वो, करना सर पे, सर पे कैसे कर रही हो? पता क्या कर रही है, सामे सामे ऐसे गिर जाएगी। रात के 12:15 हो रहे हैं और मेरे को इतनी तेज नींद आ रही है। अच्छा रुको, बात तो सुनो गाइस से, बात अच्छा गाइस को बाय कर दो। रात के 12:15 बज गए और मुझे इतनी तेज नींद आ रही है ना, और ये इस लड़की को देखो। चलो गाइस, थैंक्स, क्रोकोडाइल आ गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अगर ये व्लॉग पसंद आया इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। बाय कर रहे हो आप या मैं कर दूं? अभी कोई कह रहा, मामा अभी कोई कह रहा था कि क्रोकोडाइल की पूंछ पकड़ लूंगा मैं। कौन कह रहा था? कोकोड़ा की पिटाई कर दोगे? अभी आ रहा है, रुक जाओ। मम्मा अभी कोई कह रहा था ना मैं कोकोडाइल की वो पूंछ पकड़ लूंगी। कौन कह रहा था? आप पकड़ोगे काशवी? नहीं। क्यों, क्या हुआ? मुंह पकड़ लेना उसका। मुंह पकड़ लेना ना? नहीं नहीं। क्यों, अभी तो आप कह रहे थे उसकी पूंछ पकड़ूंगी, उसकी पिटाई करूंगी। नहीं मैं नहीं करूंगी। फिर तो क्या करोगे आप? देखो मेरी किचन में क्या बना है। कोकोडाइल तो नहीं आया मम्मी वहां पे? क्या हुआ, क्या हुआ? मैं छिपा ले जाऊंगी। हाँ मैं कल छिपा ले जाऊंगी, पांचों को भी फेंक दूंगी, एक को भी फेंक दूंगी। कहाँ पे? मेरी बॉडी बन जाएगी। बॉडी बन जाएगी, दोनों को फेंक दोगे? हाँ। कोई कह रहा है क्रोकोडाइल की पिटाई कर दूंगी, उसकी पूंछ पकड़ लूंगी। कौन कह रहा है मम्मा?
काशवी राणा बोल रही हूँ। है काशवी, क्रोकोडाइल की पूछ पकड़ोगे आप? नहीं, मैं तो गधा पकड़ूंगी। गधा पकड़ोगे, ठीक है, सो जाओ फटाफट, बहुत देर हो गई। मैं हनुमान जी बनूंगी। मैं गधा, अब कल बनना हनुमान जी, चलो सो जाओ। मैं एलिफेंट को भी मारूंगी। क्रोकोडाइल आ गया। मैं क्रोकोडाइल कह रहा है, ये कौन बातें बना रहा है? क्रोकोडाइल मम्मा इसको नीचे उतार दो। नहीं, ये बातें बना रही है ना, इसको नीचे उतार दो मम्मा। आपको भी गंदे पानी में फेंक कर दूंगी। मेरे को? हाँ। चलो ठीक है, मैं क्रोकोडाइल को बोलता हूँ। बोलू? नहीं नहीं नहीं, मेरे को गंदे पानी फेंकोगे ना आप? रुको, क्रोकोडाइल बोलू? नहीं। बुलाऊ क्रोकोडाइल को? नहीं।